तो हेलो गाइस, मैं हूं करण और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स में। तो गाइस, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक सोल्डिंग आयरन जो कि हमें बहुत तरीके से काम आ सकती है। अगर सोल्डिंग आयरन के बारे में आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि सोल्डिंग आयरन वह चीज़ है जो जिससे कि हम दो तारों को आपस में सोल्ड कर सकते हैं, मीन्स जोड़ सकते हैं। भाई देख सकते हैं आप कि यहाँ SKE Pro का ब्रांडिंग दिया गया है और मैं आपको जूम करने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं आप SKE Pro अ नेम ऑफ क्वालिटी सोल्डरिंग आयरन। ये एक सोल्डरिंग आयरन है और ये 25 से 35 वाट तक काम करता है। और दूसरी तरफ कुछ खास नहीं, बस वही लिखा हुआ है और कुछ चारों तरफ इमेज बना हुआ है और कुछ नहीं है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो ये आ गया हमारे सामने हमारा सोल्डिंग आयरन और ये कुछ ऐसा ही मुझे पैकेजिंग में मिला है जो कि मैंने अपने लोकल मार्केट से ही खरीदा है। इसे साइड करते हैं और आते हैं अपने सोल्डिंग आयरन पे। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे तार के स्ट्रिप लगे हुए हैं। मैं इसे जल्दी से हटा लेता हूं। मेरे ख्याल से ये बंधा हुआ है, तो मैं इसे हटाने का कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं इसका नेल कुछ तो गाइज आप देख सकते हैं कि इसका कुछ इस तरह का रॉड है और बेसिकली इसका यहाँ पे कॉइल रहता है। आपको दिखाता हूँ मैं खोल के। तो गाइज ये इसका कॉइल है, आप देख सकते हैं ये इसका कॉइल है और ये इसका मैं लगा देता हूँ और ये यहाँ पावर सोर्स। अब इसको हम टेस्ट करेंगे। तो इसको मैं पावर सोर्स से कनेक्ट कर देता हूँ। ये अच्छी बात है कि इसमें एक इंडिकेटर लाइट भी दिया हुआ है, तो ये अच्छी बात है। इसको हीट करने के लिए कुछ देर तक छोड़ देता हूँ, मैं रख देता हूँ। इसको मैं टेस्ट करने के लिए एक स्विच ले लिया हूँ और एक तार। मैं इसे इस पर सोल्ड करूँगा। और ये रहा इसका वायर। तो गाइस मैं इस पर सोल्डिंग करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आयरन आसानी से सोल्डिंग कर दे रहा है। आप देख सकते हैं कि आयरन आसानी से सोल्डिंग कर पा रहा है। मैं आपको और कुछ टेस्ट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये देखिए। तो गाइस हमारा वीडियो यहाँ कंप्लीट हो रहा है। कैसा लगा वीडियो आपको ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऑल पे, इसी तरह के वीडियो रोज़ देखने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।